में विजय है। दुनिया से आए सभी प्रवासी भारतीयों के साथ जब मेरे संवाद हो रहे थे, क्योंकि मुझे 4 दिन वहां रुकना था, तो 4 दिन क्या करूं, तो मैंने सभी अलग अलग क्षेत्र देशों से आए हुए जो डेलीगेशन थे, मैंने कहा इनके साथ बैठूंगा अलग अलग समय में। तो मैं जिससे भी पूछता था कि भाई क्या स्थिति है, क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। लोग मुझसे पूछते थे एक बात को लेकर कि क्या होने जा रहा है, भारत में चुनाव होने जा रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रही है। मैंने कहा देखो मीडिया क्या कह रही है आप उसमें विश्वास मत करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के हृदय सम्राट बन चुके हैं, आम जन के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में लोग उन्हें अपने हीरो के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं, अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें प्रधानमंत्री बनने से दोबारा रोक नहीं पाएगी, आप इस बात को मुझसे नोट कर लीजिए। लेकिन मुझे बताओ दुनिया में क्या है? उन्होंने कहा बहुत सीन बदला है, पहले हम लोग कहीं किसी मिशन में जाते थे, लोग वहां पर अगर परिचय देते थे कि हम भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो हमारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण दूसरा होता था, और आज जब हम कहीं जाते हैं तो लोग सहसा उनके मुंह से निकलता अच्छा इंडिया, मोदी इंडिया से गया, ये जो भाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं भारत के, और भारत को जो पहचान, जो सम्मान, जो एक नई ऊंचाई उन्होंने दी, इन ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आज आप सबके जिम्मे है। और हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत की इस उभरती हुई आर्थिक ताकत का आधार बने, हमारी ताकत दुनिया के अंदर कभी भी किसी के स्वत्व को जबरन हरने का नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। हमारा भाव तो एक ही रहा है कि काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थिक आसन, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की कामना। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।